श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्यों कहो शोभा सलुकी सोए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मीठी वाणी चित चाहती। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वर, उनकी वाणी बड़ी ही मधुर है और ब्रह्मात्माओं के चित्त के अनुकूल है। परमात्मा जैसे चाहती है उस प्रकार से, उससे भी अच्छी है। इतनी मधुर वाणी है, मीठी है। खुशबोए नरम चित चाहे, जो खुशबोए सुगंधी है उसमें और कोमलता है तो परमधाम की सब वस्तुओं में, तो वो भी उसी प्रकार से जैसे चाहते हैं उस प्रकार से। तो परमधाम के सारे दृश्य, सारे सामग्रियाँ जैसे पूर्ण ब्रह्म चाहते हैं कि ब्रह्मात्माओं को ऐसा अनुभव करवाएं, उस प्रकार से तो वो प्रकट करते हैं। तो ब्रह्मात्मा जैसा चाहते हैं वैसे उनके सामने प्रस्तुत होते हैं। शोभा शलुकी चित चाही, शोभा सुंदरता तो भी उनके अनुरूपी है। ए अरस सुख कहे न जाए, परमधाम के ऐसे सुख हैं इनका वर्णन नहीं हो सकता। अरशबक का की हकीकत माए लिखी वेद कतेव। परमधाम की बातें वेद कतेवों में लिखी है, परमधाम के संदर्भ में। खोले जमाने का खाबंद, किंतु उनकी स्पष्टता करना है तो वो तो समय के स्वामी हैं। तो ये इस समय के, जिसको कते परंपरा में आखिरी समय कहा जाता है, तो उस समय के स्वामी हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। वो प्रकट हुए हैं, उन्होंने स्पष्ट करके बताया है। और खोल न सके कोई भेद, तो उस रहस्य को दूसरे लोग तो स्पष्ट कर ही नहीं पाए, तो उन्होंने आकर के ज्ञान दिया और उस ज्ञान के माध्यम से फिर वो ब्रह्मात्माओं ने स्पष्ट करके कर दिया। लिखिया वेद कतेब में सोई खोले जिन सिर खिताब। वेद कतेब में भी, वैदिक ग्रंथों में, कथे ग्रंथों में इस प्रकार से समझाया है कि जिनको ये दायित्व दिया है, जिनके सिर पर ये खिताब कहने का तात्पर्य उपाधि, तो वो ऐसे समय पर ये शक्ति प्रकट होगी और वो काम करेगी, तो वही काम करती है। देशी मुक्त सबन को करके अदल है हिसाब। तो सबका अदल करना मतलब न्याय करना, और सबका न्याय करके सबने जैसे जैसे कार्य किए हैं उनका हिसाब लिखा जोखा सब व्यवस्थित ढंग से करके सभी को मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे। सातों स्वरूप अखंड मैं वर्णन किए सरले। मैंने अखंड स्वरूप का वर्णन किया है अपने सिर पर लेकर के, दायित्व लेकर के, स्वीकार करके। तो उसमें ये सात स्वरूप कौन कौन से हैं, तो दो रास पांच अर्श अजिम, दो रास के स्वरूप हैं इस नश्वर जगत में की हुई अखंड लीला, तो उनके दो स्वरूप वर्णन किए हैं। और पांच अर्श अजिम, पांच स्वरूप हैं वो परमधाम के बताए। तो परमधाम के पांच स्वरूप में कैसे हैं, श्री राज्य का स्वरूप तीन बार वर्णन किया है और श्री श्यामा जी का स्वरूप है दो बार वर्णन किया है। इस प्रकार से वो पांच बार सागर ग्रंथ में वर्णन किए हैं। तो ये पांच स्वरूप हो गए पांच बार। और रास में श्री राज्य का और श्यामा जी का ऐसे एक एक स्वरूप वर्णन किया है, तो दो ऐसे करके ये सात स्वरूप होते हैं। तो अब वो ग्रंथों के अवतरण के संदर्भ में बीतक में कहते हैं, जेति परिक्रमा निज धाम की, सातों स्वरूप श्रीराज सो सारे परने में परनामिने वास्ते मोमिनों के काज। तो ऐसा कहा तो उसका ये तात्पर्य है
तो जेती परिक्रमा निज धाम की कहने का तात्पर्य जितना परिक्रमा ग्रंथ और सातों स्वरूप श्रीराज सात स्वरूप सागर ग्रंथ हो गया सातों। अब ये सागर ग्रंथ इसमें सागर और श्रृंगार दोनों ग्रंथों को मान लेते हैं तो इस तरह से तो सातों स्वरूप श्रीराज सो सारे पन्ना में ये सारे ग्रंथ पन्ना में अवतरित हुए हैं वास्ते मोमिनों के काज ब्रह्मात्माओं के लिए। अब उसको कई लोगों ने दूसरे प्रकार से अर्थघटन कर दिया कि वो वहाँ से जो उपाय उस प्रसंग में से निकाल करके अलग तरीके से कहने लग गए कि जो परमधाम की परिक्रमा है यहाँ परिक्रमा करेंगे तो सब हो जाएगा। तो परमधाम की परिक्रमा वो अर्थ अलग है, धाम का महत्व है और धाम में परिक्रमा करते हैं तो वो परमधाम की परिक्रमा होती है तो वो परमधाम समझ करके करते हैं तो होती है तो समझेंगे चित्त में और ध्यान करते हैं तो परिक्रमा रोज ही की परिक्रमा ही परमधाम की परिक्रमा होगी। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जैसा अक्षरातीत आमदनी को याद करके करते हैं चलते फिरते हैं तो चलना फिरना ही परिक्रमा हो जाएगा किंतु मूल अर्थ वो है। बाकी तो सब धामों का अपना अपना महत्व है तो सब धाम महत्वपूर्ण है। अभी तक मैं ये सात स्वरूप का वर्णन किया है ये समझना पड़ेगा और आगे भी वर्णन तो आएगा यहाँ पर श्रृंगार में और अभी तक क्या यहाँ पर ये बताया सात स्वरूप ये बताए हैं और वहाँ सातों स्वरूप कहने का तात्पर्य सागर और श्रृंगार ग्रंथ है और यहाँ बता रहे हैं अभी तक वर्णन किए हैं वो बताया है। बोझ दिया न सिर स्वरूपों के तो किसी भी स्वरूप के सिर पर ये भार नहीं दिया है हमने उठा लिया है तो हमें ये दायित्व मिला है तो हमने उठा लिया। जो लो इल्मा को हुक्मे कया नहीं समझाए जब अक्षराते धामधनी के आदेश से तो ये ब्रह्म ज्ञान को समझाया नहीं जाए तो लो स्वरूप आपको क्यों कर सके जगाए तब तक वह आत्मा स्वयं को कैसे जागृत कर पाएगी। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से तारतम ज्ञान से इसको समझाना जरूरी है तब आत्मा जागृत होगी। जब रूह को जगाए हुकुम तब रूह आप ही छिप जाए जब अक्षराती धामधनी के आदेश से आत्मा जागृत हो जाती है उस समय उसमें आम भाव बिल्कुल भी नहीं रहेगा देहाध्यास बिल्कुल नहीं रहेगा आत्मिक भाव रहेगा तो वहाँ अहंकार होता ही नहीं है तो वो फिर उसको हम कर रहे हैं ऐसा होगा ही नहीं सब राज्य करवा रहे हैं ऐसा होगा ये कहना चाह रहे हैं। अपने आप आत्मा छिप जाती है कहने का तात्पर्य तो वहाँ सब अक्षराते दामदनी करवा रहे हैं ऐसा ख्याल आएगा। तब रहे सिरे हुकुम के यूँ हुकुम इल्म समझाए तब सब कुछ अक्षराते दामदनी के आदेश के सिर पर चला जाता है इस प्रकार तारतम ज्ञान हमें समझाता है। ये श्रीराज्य के आदेश ने तारतम ज्ञान को इस तरह से समझा दिया। जाहिर किया कैल में रूह सिर आया हुकुम तो अब इस ब्रह्म ज्ञान से ये पता चल गया कि आत्मा को कुछ दायित्व दिया है ये कार्य इसको करना है ये आत्मा ये काम करेगी ये आत्मा ये काम करेगी वो अक्षराते तामदनी ने सबको दायित्व दिया है ये पता चला। सोई करे हक वर्णन तो इसलिए वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करेगी। ले हक हुकुम इलमा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश और ज्ञान उनके दिया हुआ ज्ञान उनका दिया हुआ आदेश और उनके दिए हुए ज्ञान उसके द्वारा ये वर्णन होगा कहने का तात्पर्य अब मुझे ये दायित्व दिया है तो मुझे ये कार्य करना है। हुकुम बेशक इलमा और हुकुम जो सही शक ये ज्ञान है ये भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से ही है और जोश और इश्क प्रेम है वो भी उनके आदेश से ही है। मेहर निश्वत मिलाए के वर्णन करे अरसह का और उनकी कृपा और निश्वत उन सबको मिला करके अब
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। ए आशिक करे वर्णन, यह आशिक आत्मा वही वर्णन कर सकती है और आशिक सुने एत, तो सुनने वाले भी ब्रह्मात्माएं होगी, कहने वाले भी ब्रह्मात्मा और सुनने वाले भी ब्रह्मात्माएं हैं। ए कहे वेले वे मोमिन या रसुलती न सुरत, तो ये कहवे कहने या तो कहने और ग्रहण करने वाले हैं, सुनने वाले और सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों ब्रह्मात्माएं हैं, उनके अतिरिक्त तो कोई समझ नहीं सकते। या तो रसूल मोहम्मद ने जो तीन स्वरूप की बात कही है उनको पूर्ण ब्रह्म के विषय में थोड़ा ख्याल है, बाकी किसी को ख्याल ही नहीं है। तो थोड़ा कहने का तात्पर्य, अब पूरा पूरा ख्याल तो किसी को होता ही नहीं है, वो तो पूर्ण ब्रह्म को ही होता है। तो उनमें भी ये था कि जो पहले 29 तीन स्वरूप की बात कही, पहले वाले स्वरूप को थोड़ा सा ख्याल हुआ, दूसरे स्वरूप के द्वारा वो सारे रहस्यों को स्पष्ट करने की चाबी दिलाई, ज्ञान दिलाया, और तीसरे स्वरूप के द्वारा स्पष्ट करवाए। जिनको जो दायित्व दिया है सबने उस प्रकार से कार्य किया है। यहाँ कोई छोटे बड़े या उस तरह की बात में न जा करके तो ये बात ऐसे समझाई है कि जिनको जो दायित्व दिया है उन्होंने अपना अपना दायित्व निभाया है। मैं हकार में जुदे जानती लावती शब्द में वर्णन, यदि ये आत्मभाव से कह रहे हैं कि यदि मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और परमधाम तो दोनों को अलग अलग समझते, तो कि परमधाम में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है इस प्रकार से ये समझते तो हो सकता शब्दों में वर्णन करने के लिए प्रयत्न करते। श्लावती शब्द में वर्णन, शब्दों की सीमा में बांधने का प्रयत्न मैं भी करती। जड़ में सिर ले ढूंढती, और ये जड़ में इस अब दुनिया तो जड़ है, ये दुनिया में तो जो भी शब्दों के द्वारा वर्णन कर रहे हैं उसमें भी जड़ता ही है। तो अब ये पूरा दायित्व सिर पर लेकर के इस जड़ में ही परमात्मा को ढूंढने लगती, और इन शब्दों की सीमा में बांधने का प्रयत्न मैं भी करती, जैसे दूसरे लोगों ने शब्दों के द्वारा कि हाँ ऐसा ही है बोल करके कह दिया। तो मुझे तो क्या है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ख्याल हो गया है, मुझे उन्होंने समझा दिया, तो उन्होंने पहले सदगुरु को समझाया, सदगुरु ने मुझे समझाया, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, श्यामा जी, ब्रह्मात्माएं, परमधाम, ये कोई अलग अलग नहीं है, ये सब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंतर्गत ही है। तो फिर मुझे कोई अलग ऐसा लगा ही नहीं है, इसलिए शब्दों में बांधने का मैं कभी प्रयत्न ही नहीं करती हूँ। जो कुछ कह रहे हैं ये तो बहुत थोड़ा है, इसका कोई इसका बहुत बड़ा महत्व नहीं है, जैसे समझेंगे तो सबसे ज़्यादा महत्व उसका है, वो बताना चाह रहे हैं। अब ऐसा क्यों, हक आए दिल बीच चेतना, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हृदय में बैठ गए और उन्होंने ही ये सब कहलाया है, इसलिए तो ये जड़ के द्वारा ये बताया नहीं गया है, ये सब चेतन के द्वारा समझाया गया है। कहो इनका विवरण सिर हुकुम लेसी मोमिन, अब इनका विवरण भी करते हैं कि ब्रह्मात्मा अपने सिर पर इस बात को धारण करेंगी और समझेंगी परमधाम की बात, पूर्ण ब्रह्म की बात। सो हुकुमें समझ जागसी मिले हुकुमें हकवतन, वो अक्षराते धामधनी के आदेश से ही समझ प्राप्त करके जागृत हो जाएंगे और वो परमधाम में फिर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अनुभव करने लगेंगी, मैं तो उनके चरणों में हूँ ऐसा दुनिया में भी अनुभव करेगी और परमधाम में जागृत होगी तो अनुभव होना ही है। हुक्मे चले हुक्मा हुक्मे जाहिर निश्वत, तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आदेश चलता है दुनिया में, वो भी वो चाहते हैं तभी चलता है, और संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में साथ का संबंध, ब्रह्मात्माओं का संबंध, ये सब प्रकट होता है, वो भी वो चाहते हैं तभी। हुक्म में खिलवत जाहिर परमधाम का, परमधाम के रहस्य को स्पष्ट करते हैं तो वो भी
उनके आदेश से ही हुक्म जाहिर वाहिदता द्वैत भूमिका का जो कुछ भी दुनिया में प्रकट हो रहा है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चाहते हैं तभी हो रहा है, उनके आदेश से ही हो रहा है। हुक्म दिल में रोशनी, दिल में दिल को रोशित कर प्रकाशित कर देते हैं वो भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चाहते हैं तभी प्रकाशित होता है दिल। शुद्ध हुक्म अरस नूरा तो उनकी आज्ञा से ये शुद्धि होती है। किसकी शुद्धि होती है? अरस परमधाम की और अक्षरधाम की। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षर ब्रह्म सारी समझ उनके हिसाब से होता है। मुकैद मुतलक हुक्म है, मुकैद का तात्पर्य कैद कर के करना, मुकैद कैद किया हुआ उसको मुकैद कहते हैं कि वो कहते हैं ना या बैठो या पाक करो हादि पना या बैठाओ माए तकसीर। तो मुकैद करना तो माया के बंधन में पड़ना, बंध जाना, माया से कैद हो जाना, माया से प्रभावित हो जाना, या तो उससे मुक्त होकर के परमात्मा के प्रति निश्चित हो जाना, ये दोनों ही पूर्ण ब्रह्म चाहते हैं तभी होता है। हुक्म अरस शहूरा परमधाम की समझ भी उनके आदेश से ही प्राप्त होता है। कोई दम ना उठे हुक्म बिना, उनके आदेश के बिना, तो कोई दम का तात्पर्य कोई प्राण वो श्वास भी नहीं आता है। कोई हले ना हुक्म बिना पाता पत्ता भी उनके आदेश के बिना चलने वाला नहीं है। तहाँ मुतलक हुक्म क्यों नहीं जहाँ वर्ण होए हक जात। तो जब श्वास निकल रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं वो भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से है, सारा पत्ता हिलना भी उनके आदेश से है, तो परमधाम का वर्णन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वर्णन है वो उनके आदेश से कैसे नहीं होगा, वो उनके आदेश से ही होगा। हक बातें हक हुक्म सुने हुक्म होए दिदार, तो ये परमधाम की बातें पूर्ण ब्रह्म की बातें हैं वो भी हक बातें रुआ हुक्म सुने, तो वो पूर्ण ब्रह्म के आज्ञा से ही ब्रह्मात्मा सुन सकती है समझ सकती है। हुक्म होए दीदार दर्शन भी उनके आदेश से ही होंगे, हुक्म इल्म आखरी आखरे इल्म तारतम ज्ञान भी उनके आदेश से ही प्राप्त होता है। खोल हुक्म खोले हुक्म पार द्वार, पार के द्वार भी उनके आदेश से ही खोले गए हैं। ये वर्णन हो तो सब हुक्म ये सब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से ही वर्णन हो रहा है। आया हुक्म बेशक इल्म तारतम ज्ञान अवतरित हुआ वो भी उनके चाहने से ही हुआ है। हुक्म जोश इश्क सबे जोश इश्क ये सब उनके आदेश के अधीन है। जित हुक्म तित खसम, तो जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वहीं उनका हुक्म है, उनके आदेश से ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अनुभव होता है और हमारे दिल में भी वो इस प्रकार से बैठे। जब ये द्वार हुक्म खोलिया, जब ये सारे पार के द्वार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से खुले हैं, हुक्म देख्या का हाथ है, तब पता चला कि ये सब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हाथ में है, ये भी उन्होंने चाहा तब दिखाया। तब रही ना फरे भी खुदी, अब कोई फरे भी झूठ मूठ अहंकार कुछ भी नहीं रहे, कोई मिथ्याभिमान नहीं। वाहिदत हुक्म हक साथ, अब लगा कि सब कुछ परमधाम की जो भी संपत्ति है अद्वैतता है वो सब पूर्ण ब्रह्म चाहते हैं तभी दुनिया में प्रकट करते हैं ये पता चल गया। पहले हुक्म इल्म जाहिर, पहले ये ज्ञान प्रकट किया वो भी उनके चाहने से ही हुआ। हुक्म हक वर्णन अभी जो वर्णन हो रहा है ये भी उन्होंने चाहा तभी। मैं हुक्म लिया सिर अपने, मैंने तो उनके आदेश को ही अपने सिर पर लिया है। अब रूह छिप गई हक ईजन, अब मेरा कोई भी या मेरा मैंपन है वो सब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंदर ही समा गया है उनके आदेश से। ईजन भी आदेश ही हुक्म, तो अब उसी में सब कुछ समा गया है, अब मैंपन कुछ रहा ही नहीं। हक बैठे दिल अरस में, तभी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हृदय को धाम बना करके बैठे हैं जब अहंकार वगैरह सब कुछ मिट गए। कया हक अरस दिल मोमिना, उन्होंने ब्रह्मात्माओं के हृदय को ही परम धाम कहा है। रूहे पहुंचाई हक अरस में, हक बैठे अरस दिल रूहन,
तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मात्माओं के हृदय में बैठ करके ब्रह्मात्माओं को परम धाम का अनुभव करवाते हैं। वो सब वो चाहते हैं तभी होता है। हाँ, हक बैठे बिचार सके नहीं जुदागी एक खिन। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम धाम में बैठे हुए हैं तो वो ब्रह्मात्माओं के साथ में एक क्षण की भी जुदागी नहीं है, वियोग नहीं है। हुक्म नयन कान दीजिए, अब देखो नयनों सुनो वचन। अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से ही आप देख भी सकेंगे और सुन भी सकेंगे। और अब देखो नयनों सुनो वचन, आँखों से भी देखो और वचन को भी सुनो। अब हक के हुक्म चलाइया, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपने आदेश को अब चला दिया है। खुद ही फरे भी गई गल, अब अहंकार सब मिट गया, ये सब झूठ फरे वगैरह सब मिट गए। रास खेल रस जागनी, अब जागनी रास का रस, ये जागनी रास को खेल करके इस रस का आस्वादन करते हुए हुआ रुओ सुख असल, अब परमात्मा को असल सुख प्राप्त होगा। कहे हुकुमे महामत मोमिनो, महामति पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से ही कह रहे हैं। हके पहुँचाई इन मजल, इस स्थान तक इस स्थिति तक इस स्तर तक पहुँचाया ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं पहुँचाया है। कहे शास्त्र नहीं त्रैलोक में, सो हक बैठे रूहों बीच दिल। तो शास्त्र कहते हैं कि तीनों लोक में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं है, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे दिल में आकर के बैठ गए हैं। तो ये सारा पूर्ण ब्रह्म ने चाहा तब जा करके हुआ है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अभी यहीं पर रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सो हक बैठे रूहों बीच दिल, कहे हुकुमे महामत मोमिनो, हके पहुँचाई इन मजल। कहे शास्त्र नहीं त्रैलोक में, सो हक बैठे रूहों बीच दिल, सो हक बैठे रूहों बीच दिल। सब लोग